ये है पहाड़ी ककड़ी, दिखाओ मम्मी, इतनी बड़ी, हाथ के मेरे हाथ के बराबर होगी, ये इतनी बड़ी होगी, और इसको खाएंगे नहीं, इसको बनाएंगे, इसकी क्या बना रहे हो मम्मी? बड़ी, बड़ी, और फिर एक दिन ब्लॉग शेयर करेंगे बड़ी भात का, फिर इसको कद्दूकस करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस शेयर करते हैं। तब तक हिमानी कैप्चर करो मम्मा कैसे कर रही है। मैं बाटी चोखा की तैयारी कर रही हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी करूंगी। उससे पहले की तैयारी है रही। रात मांज रही हूँ मैं उससे पहले। ककड़ी जो है उड़द की दाल में मिला दिया, ठीक है। ये सामने है इसमें, तुम बोलो उसको, इसको ऑफिस में फेंटना है, वो बच्चे तक फेंकना है इतना कि एकदम हल्का हो जाए। हाँ मतलब जैसे बड़े के लिए होता है। हाँ फिर इसको रात भर रखेंगे, सुबह इसमें मसाले मिला के बढ़िया तो। बड़ी तल लो, हाँ। तेल में, हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा आटा भूनना पड़ता है, या तो चावल का अदहन लगा के जैसे कड़ी वो नहीं करते भट के चुटकाने बनाते, इसमें डालेगी और ये तैर जाएगी, देखिएगा अभी ये नीचे बैठा नहीं है, ऊपर को तैर गया, ये भी डालेगी, इसमें बैठेगा नहीं, ये तैर जाएगा, ये फिट के तैयार हो गया। फिर इसको रात भर ऐसे ही छोड़ेंगे खमीर उठाने के लिए, सुबह इसमें मसाले मिलाएंगे और फिर जाकर के छत पे बढ़िया तोड़ेंगे और फिर बड़ी की सब्जी बनाएंगे, खाएंगे मस्त। कल दिन उसी से दबाना भी पड़ेगा। हाँ ईंटें हैं ना यहाँ पर, ईंट हैं, तो ये तैयार हो गया है यहाँ पे सारी चीज़ें, और ये है बड़ी का मसाला, और यहाँ मम्मा ने शीट लगा दी है, अभी अभी यहाँ पर हम लोग बनाने जा रहे हैं और इसे क्लीन करके फटाफट बढ़िया बनेंगे। ये तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग हो रही है यहाँ पे, और यहाँ मम्मा बड़ी बना रही है। वेदर इतना अच्छा हो रहा है पूरा, बढ़िया। इतने बड़े देखो, एकदम छोटी भी नहीं करना क्योंकि वो सूख के अभी थोड़ी पतली भी होगी। अच्छा देखो इतनी बड़ी चाहिए, हाँ, जितनी बड़ी मसाले। जैसे पकौड़ियाँ हम लोग बड़े बनाते हैं, बड़े या पकौड़ियाँ बनाते हैं। हाँ चूल्हे में
चप्पल नहीं मिली हमारी गाड़ी में, पता नहीं कहाँ गई। वहीं भूल गए। तुम निकाले थे ना पहाड़ के लिए? नहीं। इसमें नमक नहीं पड़ता मामा? कहाँ? क्या चीज? पापा चाबी खोल दो। चाबी तो उसके पास होगी। चाबी लो जरा, देखो। खोल देता हूँ, खोल देता हूँ, इसे खोल जाएगी। पापा इधर देखिए, देखिए क्या बन रहा। मिला कि नहीं जूता? जूते मिल गए? तो पकोड़े कहते वो बना के गए, वो भी ऐसी गोली देगी। नन्ना का ऑफिस से फोन आ गया था, तो नन्ना ही पकोड़े बनाते रुके हुए थे। भी तैयारी हो चुकी है, घूम फिर के आ चुके हैं और मम्मा पापा जाने की तैयारी कर रहे हैं। सारा गाड़ी वगैरह सब रेडी है। बढ़िया से ये राघु की टॉफी है, रखो राघु के लिए, पहुँचने के लिए। पानी चार्जर निकाले हैं अंदर से? नहीं नहीं, मुँह पे ही लगाने के लिए है वो। ठीक है, सात घंटे की जर्नी दिखा रहा है। हैप्पी जर्नी पापा। ओके बेटा, ठीक है, आराम से जाना। गन्ना संस्थान वाला बीआर स्टोर है, उसके बगल सामने वो है। ना ना, इधर जाना, गन्ना संस्थान लिखा होगा वहीं से लेफ्ट। गन्ना सेंटर पापा, यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर के लेफ्ट है। तो ये है बड़ियों की स्थिति। मेरे ख्याल से ये ऊपर से तो ड्राई हो चुकी हैं और ये नीचे से थोड़े थोड़े गीले हैं, तो इनको पलट देना बेहतर होगा। पूरी छत पे बड़ी इलायची की ना खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें बड़ी इलायचियाँ पड़ी हुई हैं और ये पूरी ही सूख चुकी हैं लगभग। तो मैं सबको फटाफट पलट देती हूँ ताकि इनको सुखाना फिर थोड़ा ईजी रहे। ये मैंने कर दिया, ये सभी को पलट देती हूँ। बहुत टेस्टी बनती है गाइज़, इसकी सब्ज़ी जो बनती है ना दाल जैसी, बड़ी अच्छी बनती है। मम्मा ही बना के खिलाई है आज तक, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अब बनाऊँगी और पक्का उस पर भी एक व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। ये है ना, ये सारे मैं ऐसे ही कर देती हूँ ताकि इनको फिर मैं थाली में भी उठा के सुखा सकूँ आराम से। ये यहाँ पर क्या आ गई है? अरे बेटू, तुम यहाँ कैसे आ गए हो? फंस गई है क्या ये यहाँ पे? आई थिंक एक मिनट को, उसको मैं बाहर छोड़ के आती हूँ। नहीं, मैंने एक केलो वाली थी, फंस गई है। हाँ, ये फंस गई है, इसको जगह नहीं मिल रही है। जगह मिलता तो बाहर। अरे मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ भाई, आओ। तुम मत पकड़ो, तुम कैमरा पकड़ो। हटो हटो हटो, क्या इसको मैं छोड़ूंगी? ऊपर शीशे है ना, ये शीशे की वजह से फंस गई थी। अब उड़ जाएगी, धोखा पड़ी है। नहीं नहीं, अब उड़ जाएगी, गई गई गई। ओहो बेचारी फंस गई थी। तो आज के व्लॉग में इतना ही, बहुत जल्दी मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।